रुक करांगे वड्डी खबर दा। हिमाचल प्रदेश दे विच भूचाल दे झटके महसूस किए गए ने। शिमला इस भूचाल दा केंद्र दस्या जा रहा है। भूचाल की तीव्रता की गल की जाए तो रिक्टर स्केल से 4.0 रही। जान माल के नुकसान तो फिलहाल बचा दसया जा रहा है। शिमला भूचाल का केंद्र दसया जा रहा है। हिमाचल के भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। रिक्टर स्केल से इस भूचाल की तीव्रता 4 मापी गई है। फिलहाल कुछ डिस्टर्बेंसिस करके भूचाल के झटके हिमाचल के महसूस किए गए ने। हालांकि अजे जान माल की किसी तरह की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। जान माल के नुकसान तो बचा रहा है। भूचाल की तीव्रता जरूर रिक्टर स्केल से 4 रही है। भूचाल का केंद्र भी शिमला रहा है। हिमाचल के भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं पर फिलहाल जान माल के नुकसान की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। इसको बचा रहा है। शिमला तो यह खबर थोड़ी टीवी स्क्रीन पर। इसे ते साडे सहयोगी समीक्षा राणा साडे नाल जुड़ चुके ने। समीक्षा, भूचाल के झटके शिमला दे विच महसूस किए गए ने, कोई जान माल दी नुकसान दी खबर या कोई इस तरह दी तस्वीर जो अनसुखावी होवे? बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो भूकंप के झटके हैं वो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हर बार जो है वो आते रहते हैं। वहीं अगर सेंटर की बात करें तो हमेशा चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है वो भूकंप के झटके जो है अक्सर महसूस किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें आज जो है वो राजधानी शिमला के रामपुर के एरिया में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता जो है वो 4 नापी गई है। वहीं अगर देखें तो जान माल की अभी तक कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसी तरह के रिक्टर स्केल पर जो ये अभी तीव्रता नापी गई है 4.4 अभी जो है वो नापी गई है, वहीं 4 से 5 रिक्टर स्केल पर जो है इसी तरह के भूकंप के झटके अक्सर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जी समीक्षा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समूमन ही भूचाल के झटके महसूस किए जाते हैं पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है किसी तरह की कोई अणसुखावी तस्वीर नहीं बनी। हिमाचल प्रदेश च भूचाल के झटके महसूस जरूर किए गए ने। शिमला इस भूचाल का केंद्र रहा। रिक्टर स्केल से इसकी तीव्रता 4 मापी गई है पर जान माल के नुकसान तो बचा रहा।